Good morning students, how are you all? I hope you all are happy, healthy and enjoy at your home. Today we are going to start chapter number 24, spicy radish. Spicy radish yani spicy matlab aap log jante hain, teekha ekdam se hota hai. Radish matlab hota hai paheliya. Kaise hum log paheliya poochte hain ek dusre se? To yahan par is chapter mein bhi kuch teekhi teekhi paheliya poochi jayegi. Teekhi teekhi paheliya. अब पहेलियों का कोई टेस्ट तो होता नहीं है. हम ऑब्वियसली नॉर्मल सा बोलते हैं कि चलो हम पहेली पूछने हैं, आपको आंसर करना है. लेकिन यहाँ पे तीखी पहेली, आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज आई कैन बी पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी. यानी मुझे पाउडर बनाया जाता है फूड को हॉट यानी बहुत गर्म और तीखा बनाने के लिए. इफ टू मच ऑफ मी इज एडेड आई मेक यू गैप्स. यानी कि जब मुझे खाने में बहुत ज़्यादा मिलाया मिला दिया जाता है तो खाने वाला क्या करता है, ऐसे करने लग जाता है. योर आईज एंड नोज बर्स्ट इन टू अ वाटर. आईज एंड नोज यानी आपकी आँखें और नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है. एंड यू क्राई और आप रोने लगते हो. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. टेल मी क्विकली हु एम आई. अब सोचो मैं क्या हूँ. मैंने आपको बताया कि मुझे पाउडर बनाया जाता है, ठीक है ना, और मैं बहुत ही गर्म और बहुत तीखा हो जाता हूँ. अगर मुझे खाने में ज़्यादा मिला दिया जाता है तो खाने वाला ऐसे करने लग जाता है और फिर आपकी आँख और नाक से पानी आने लग जाता है और आप रोने लग जाते हो. सोचो सोचो क्या हो सकता है. एक सेकेंड का टाइम है आपके पास, सोचिए. मिला कुछ आंसर? हाँ, समझ गए होंगे आप लोग. और वो है हमारी चिली. क्या है? CHILI. चिली, चिली यानी मिर्ची. आप लोगों को पता है ना मिर्ची, ठीक है, बहुत तीखी होती है. हम लोग खा लेते तो कितना हमारा मुंह चलने लग जाता है. तो ये हमारी पहली पहेली, इसीलिए बोला है स्पाइसी राइडर्स यानी तीखी पहेलियां. चलिए नेक्स्ट है ग्राइंड मी एंड पाउडर मी. मुझे पीसा जाता है और ग्राइंड यानी घुमाया जाता है, मिक्सी में ग्राइंड करते हैं और पाउडर बनाया जाता है. टू मेक योर फूड लुक येलो. क्यों बनाया जाता है? कि आपका फूड येलो कलर का हो जाए. अब जहाँ येलो कलर की बात है ये तो ऑलमोस्ट आप लोग समझ गए होंगे कि येलो कलर में मसाले में कौन सा येलो कलर होता है. आई एम मिक्स्ड इन ऑयल बाय ग्रैनी. यानी कि जो दादी माँ होती है ना, ग्रैनी मतलब दादी माँ, वो मुझे ना ऑयल के साथ मिक्स कर देती है, ठीक है. एंड अप्लाई टू वोंडेड क्विकली. और जहाँ पर कहीं चोट लगी होती है तो क्विकली यानी जल्दी से उस पर लगा देती है. आई हील ऑल वुंड्स बिग एंड स्मॉल. यानी मैं सारे बड़े और छोटे जो चोट वगैरह होते हैं, वुंड्स यानी चोट जिसे कहते हैं, उन सबको ठीक कर देती हूँ, ठीक है. दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल. इसीलिए सब लोग जो है मुझे बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं उस येलो चीज़ को. अब सोचिए, मैं आपको पहले बता रही, जब तक आप लोग सोच लीजिए. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. सोचो सोचो मैं क्या हूँ, कौन हूँ. टेल मी क्विकली हु एम आई, जल्दी बताइए मैं कौन हूँ. अब जहाँ येलो कलर आया तो आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या हूँ. सोचिए सोचिए. यस, आप लोग समझ गए होंगे. और वो है हमारा टर्मरिक. टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, ठीक है. सब्जी में डालते हैं ना हल्दी पाउडर, तो उससे क्या होता है, हमारे जो वेजिटेबल्स है, हमारी जो सब्जी है, हमारी जो दाल है, वो कौन से कलर की होती है, येलो कलर की हो जाती है. तो दैट इज टर्मरिक. TURMERIC टर्मरिक यानी कि हल्दी. वो आप लोग कैसे ऐसे करके होता है, लंबी ऐसे करके, ऐसे कलर ऐसी होती है टर्मरिक, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट ना पेज नंबर 180 हमारी थर्ड पहेली क्या है. स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल. छोटी और राउंड यानी गोल गोल लाइक अ पर्ल. पर्ल क्या होता है, मोती जैसी होती है, ठीक है. आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल. जब मैं बहुत छोटी होती हूँ तो मैं ब्लैक कलर की होती हूँ. आई कैन बी पाउडर कोर्स और फाइन. मुझे भी पाउडर बनाया जाता है. एंड शार्प आई स्पाइसी टेस्ट इन माइंड. और मैं बहुत तीखी होती हूँ, ठीक है, स्पाइस बहुत ही स्पाइसी होती हूँ. वेदर इट इज़ अ सॉल्टी और अ स्वीट. और मुझे पता है स्वीट यानी नमकीन और मीठा, स्वीट यानी मीठा और सॉल्टी यानी नमकीन में भी डाला जाता है, ठीक है. आई एम एडेड एज अ स्पेशल ट्रीट. जो स्पेशल कभी नमकीन बनता है, कभी स्पेशल स्वीट्स जो बनती है, मुझे उसमें भी डाला जाता है. थिंक एंड टेल मी हु एम आई. टेल मी क्विकली हु एम आई. सोचिए मैं क्या हूँ, जल्दी जल्दी बताइए मैं क्या हूँ. सोचिए क्या है. ब्लैक होता है, छोटा छोटा होता है, पर्ल यानी मोती जैसा होता है,
हाँ समझ गए होंगे आप लोग, दैट इज ब्लैक पेपर, बी एल ए सी के, ब्लैक पेपर। ऐसी होती है ना छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की होती है, यहाँ तो हमारे पास व्हाइट चॉक है, ऐसी छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की होती है राउंड राउंड, तो उसे कहते हैं ब्लैक पेपर, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे उसे, काली मिर्च। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई एम अ स्मॉल एंड शिंकी चैप, समथिंग इज अ स्मॉल ब्राउन एंड समथिंग ब्लैक, एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी। मैं भी बहुत छोटा हूँ चाप हूँ, समथिंग आई एम ब्राउन, यानी कि ब्राउन कलर का मुझे बताया गया है, और मुझे किस में डालते हैं, गरम तेल या घी के अंदर मुझे डाला जाता है। आई स्प्रेड माई फ्रेगनेंस ऑल अराउंड मी, यानी जब मुझे घी में, गरम घी तेल में डाला जाता है, तो जो मेरी खुशबू है वो चारों तरफ हो जाती है। व्हेन आई एम रोस्टेड, कर्ड एंड जीरा आर फेवरेट टू मी, जब मुझे रोस्ट किया जाता है यानी भुना जाता है, तो मुझे कर्ड यानी दही में भी डाला जाता है, जलजीरे में भी डाला जाता है। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। अब जहाँ कर्ड और जलजीरे की बात आ गई है और उसे बोला गया कि मुझे भुना जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्या चीज़ है, बताइए क्या चीज़ है वो। यस, वो है जीरा, जिसे हम सब्जी हम लोग बनाते हैं तो उससे पहले जीरा हम लोग डालते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुमिन, सी यू एम आई एन, कुमिन जीरा। आपने देखा होगा ना ऐसे छोटे छोटे लंबे लंबे से ऐसे ऐसे किस तरह के होते हैं जीरा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, कुमिन बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई लुक लाइक जीरा थ्रू ग्रीन एम आई, मैं बिल्कुल जीरे की तरह दिखती हूँ, बिल्कुल जीरा जैसे लगती हूँ मैं, और लेकिन मेरा कलर क्या है, ग्रीन कलर का है। जीरे का कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का, और ये जो बता रहे हैं कि वो जीरे की जैसी होती है लेकिन ग्रीन कलर की होती है। टू मेक योर स्टमक हेल्दी एंड ऑलवेज ट्राई, अपने हमारे पेट को बिल्कुल हेल्दी बना करके रखती है। ठीक है, ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील, हमेशा मुझे सब लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। आई रिफ्रेश योर माउथ, मैं आपके जो माउथ को, आपके मुंह को जो है वो बिल्कुल रिफ्रेश कर देती हूँ। यू श्योरली फील, और तुम लोग फील भी करते हो मुझे खाते वक्त। थिंक एंड टेल मी हु एम आई एंड टेल मी क्विकली हु एम आई, अब मैंने जब आपको कहा कि इसे ना मील के बाद, यानी हम लोग दोपहर में खाना खाएं या हम लोग जो रात को खाना खाते हैं तो इसे हम मील बोलते हैं, तो खाना खाने के बाद हम जब इसे खाते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या खाते हैं। सोचिए सोचिए क्या खाते हो, सोचिए जल्दी सोचिए, आया कुछ याद, समझ में आया, सोचिए। फिफ्थ नंबर का है, यस ये है एनीसीन, एनीसीन मतलब सौंफ, जिसे गुजराती में वरियारी भी बोलते हैं। हम लोग खाते हैं ना सब लोग खाना खाने के बाद में थोड़ी सी वरियारी मुंह में डाल लेते हैं, सौंफ डाल लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एनीसीन, ए एन आई एस डबल ई वी एनीसीन। सौंफ दिखाई देती है ना आप लोगों को भी, बिल्कुल जीरे की जैसे ऐसी ही लंबी लंबी होती है वो, और कलर कौन सा होता है उसका, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नाउ लास्ट वन इज आई लुक लाइक अ नेल बट अ बड एम आई, चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई व्हेन योर टूथ एक मेक योर यू शाउट। आई लुक लाइक अ नेल, मैं एक नाखून की तरह दिखाई देता हूँ, बट आई एम, और ऊपर उसके ऊपर है ना गोल्ड कलर का एक बॉल जैसा बना होता है। ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर, और मेरा कलर क्या है, चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल, और मेरी जो खुशबू है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और जब आपको टूथ एक यानी आपके दांत में जब दर्द होता है, तो मुझे रखते जब आप चिल्लाते हैं तो मुझे वहाँ पर रखा जाता है। आई शूट एंड द पेन इन योर माउथ, मैं आपके मुंह के दर्द को, दांतों के दर्द को बिल्कुल गायब कर देता हूँ। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई, सोचिए सोचिए मैं क्या हूँ, जल्दी बताइए मैं क्या हूँ। चॉकलेट ब्राउन कलर है, थोड़ा सा नेल जैसा होता है, ऊपर बड होती है, गोल गोल राउंड सा लगा होता है, क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, वो है हमारा क्लो, सी एल ओ वी ई, सी एल ओ वी ई, यानी कि ऐसे इस तरह सा होता है, ऐसे 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 बना होता है और उसके ऊपर राउंड बनाता है, आप लोग समझ गए होंगे। ये है हमारा लॉन्ग, जो गरम मसालों के साथ में आता है। अगर बच्चों आप लोग अकेले ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी मम्मा के साथ ज़रूर देखिए, वो इन सारे गरम मसालों के बारे में उन्हें इतनी नॉलेज है कि वो पहेली सुनते ही आपको बता देगी कि ये वाली लौंग है, ये चिली है, ये टर्मरिक है, ये ब्लैक पेपर है, ये कुमिन है, ठीक है, ये एनीसीड है, और ये है क्लोव। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।